हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अनिकेत कदम और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। तो चलो शुरू करते। तो सबसे पहले मैं इस ऑडिट का एक आसान शब्दों में ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम वोकेश लैंग्वेज देखेंगे कि उसमें क्या होता है। तो एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट ये एक ऑडिट का टाइप है, उसमें हम जो इंटरप्राइज है उसकी एफिशिएंसी, कौन सी एफिशिएंसी, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल बोथ, मतलब वो कैसे काम कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, ये भी हम उसमें देखते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और उसको एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। जैसे मुझे अभी कल समझो मुंबई जाना है और मुझे ऐसे मेरे दिमाग में था कि 500 रुपये मुझे खर्चा आएगा, पर मैं जब गया तो मुझे खर्चा आया 550 रुपये। तो ये क्यों आया कि मेरे टिकट के पैसे ज़्यादा लग गए या रहने के पैसे ज़्यादा लग गए या खाने के पैसे ज़्यादा लग गए, इसको मैं एनालिसिस करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। मैंने इसे थोड़े आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या लिखा है। देखो, प्राइमरीली इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। ओके, इट इंक्लूड्स identification of opportunities of greater economy as well as removal of weakness after evaluation। मतलब इस audit में हम अपने आने वाले opportunities को भी देखते हैं और हम में जो weakness है उससे भी हम eliminate करने की कोशिश करते हैं। वापस एक बार हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले financial और operational efficiency को evaluate करते हैं, उसके बाद हमें अपने में क्या वीकनेस है वो देखना पड़ता है और हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं वो देखना पड़ता है। अभी जैसे मैंने मेरे एग्जांपल में बताया था वो देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स। जैसे 500 रुपये ये स्टैंडर्ड था, मैंने 550 रुपये से उसे कंपेयर किया है। एंड इफ़ द ऑडिटर एट द टाइम ऑफ द इवेल्युएशन कम अक्रॉस एनी डेविएशन, मतलब 500 550 रुपये जो डेविएशन था विथ रिस्पेक्ट ऑफ द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, इट इज़ अ फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। वो आगे चल के इन्वेस्टिगेट करूंगा कि मैंने खाने पे ज़्यादा खर्च किया, टिकट पे ज़्यादा खर्च किया या रहने पे ज़्यादा खर्च किया। द ऑडिट ऑफ दिस स्कोप इज एक्सटेंडेड अप टू 3 टर्म्स, दैट इज इकोनॉमी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी ऑडिट में हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमने ह्यूमन पावर या हमने जो रिसोर्सेज खरीदे हैं वो रीजनेबल रेट या इकोनॉमिक रेट में हमने खरीदे हैं और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड मिनिमम कॉस्ट में कर रहे हैं या नहीं। तो एक बार फास्ट पढ़ लेता हूँ। इट इंश्योर दैट एंटिटी हैज़ एक्वायर्ड द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज इकोनॉमिकली। इट इंप्लाइज दैट रिसोर्सेज हैव बीन प्रोक्यूर्ड इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एट द मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑडिट। तो इसका एक एग्जांपल है कि अगर हमने एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया है वो उसका 100% एफिशिएंसी दे रहा है या नहीं, मतलब स्टैंडर्ड सेट किया है कि 1 घंटे में वो 4 यूनिट्स बना सकता है, तो वो 4 यूनिट्स बना रहा है या 3 ही यूनिट बना रहा है, 2 ही यूनिट बना रहा है, ये सब हमें देखना पड़ता है एफिशिएंसी ऑडिट में। और लास्ट है इफेक्टिवनेस, कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में इफेक्टिव है या नहीं। इट इज़ एन अप्रेजल of the performance of the schemes and projects with reference to the overall targeted objectives as well as an efficiency of the ways and the methods accepted for the attainment of objectives। तो लास्ट में है अप्रोच, कि एक ऑडिटर एक एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट करते समय क्या ध्यान में रखेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, जो टॉपिक है उसे आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक। उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे हासिल करेगा, दैट इज़ ऑब्टेनिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और जिसके बाद वो प्रीलिमिनरी स्टडी उसे स्टडी करेगा, दैट इज़ प्रीलिमिनरी स्टडी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द ऑडिट। उसके बाद वो जो ऑडिट की प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट देगा, दैट इज़ ऑडिटिंग, रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड रिपोर्टिंग। चलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट माई नेक्स्ट वीडियो। एंड आई विल ट्राई टू अपलोड एज मच एज वीडियोज आई कैन इन दिस 7 to 8 days बिफोर योर एग्जाम, सो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल। और आपके दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए जो इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हार्ड वर्क एंड बेस्ट ऑफ लक।